वैसे तो महिला दिवस पर बात करने को बहुत से विषय हैं और बहुत सी ऐसी महिला शक्ति हैं जो अपने आप में एक मिसाल है। चाहे वो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हो या फिर स्पेस पर जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला या फिर दौड़ के मैदान में अपना हुनर दिखाने वाली जिंदा दिल महिला पीटी उषा या फिर दंगल में अपनी छाप छोड़ने वाली मैरी कॉम, सबकी अपनी कामयाबी की एक संघर्ष भरी कहानी है। अपनी इस खास पेशकश में हम आपको ऐसी ही महिलाओं के बारे में बता रहे हैं जो औरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। आज हम बात कर रहे हैं उन महिलाओं की जिन्होंने अकेले ही मुसीबतों और बुरे हालातों से जूझकर अपने बच्चों को एक अच्छे उज्जवल भविष्य देने का हौसला दिखाया और करके भी दिखाया। बात करते हैं एक ऐसी ही गृहिणी की जो अपने दम पर अपने बच्चे को पढ़ा लिखा रही है और उसे अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार भी दे रही है। आइए बात करते हैं एक ऐसी ही गृहिणी की जो अपने दम पर अपने बच्चों को पढ़ा लिखा रही है और उसे अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार भी दे रही है। कभी वो एक माँ बनकर अपने बच्चे को अच्छे बुरे की पहचान कराती है तो कभी एक दोस्त बनकर उसके साथ खेलों में शामिल होकर उसकी खुशी बन जाती है। संगीता नीमवाल, जिनकी उम्र करीब 45 वर्ष है और वो कनौटी की निवासी हैं, जो पिछले 20 वर्षों से अपने बच्चों का पालन पोषण अपने दम पर कर रही हैं। किन्हीं व्यक्तिगत कारणों से उन्हें अपने पति से अलग होना पड़ा, उसके बाद उन्हें कई संघर्ष करने पड़े। समाज में अपनी अलग पहचान बनाकर बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए आज वो अपने अथक प्रयासों से अलग सोच के साथ एक आदर्श माँ और एक सफल गृहिणी है जो एक बैंक में नौकरी कर रही है। इसके साथ ही संगीता ने LLB भी किया है। संगीता नीमवाल समाज की हर एक महिला के लिए प्रेरणा है जो हालातों के आगे हार मान लेती है, पर संगीता उन सबके लिए एक मिसाल बनी है। एक अकेली महिला कमजोर नहीं होती, अगर वो अकेले जन्म देने की ताकत रखती है तो बिना किसी के सहारे अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने का हौसला एवं जुनून भी रखती है। तो आइए क्यों ना हम इस खास दिन को उनके लिए स्पेशल बना दे। इसी मौके पर KTV परिवार भी देश की ऐसी महिलाओं के जज्बे को सलाम करता है जिन्होंने लाखों मुश्किलों व परेशानियों को धूल चटाते हुए अपने अपने लक्ष्य को हासिल किया और धरती से लेकर आकाश तक अपना नाम किया। आई एम संगीता, आई एम सिंगल वुमेन एंड आई एम सिंगल पेरेंट। 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हम सभी महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, एक बहुत बड़ा त्यौहार है हमारे लिए, महिला सशक्तिकरण। क्या है महिला सशक्तिकरण? महिला सशक्तिकरण को बेहद आसान शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है कि इससे महिला शक्तिशाली बनती है और जिससे वो अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती है और परिवार और समाज में अच्छे से रह सकती है। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनना ही महिला सशक्तिकरण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत ही मशहूर वाक्य है उनका, लोगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वो अपना कदम उठा लेती है, परिवार आगे बढ़ता है और गांव आगे बढ़ता है और राष्ट्र विकास में और उन्मुक्त होता है। भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उनके अधिकारों और मूल्यों को मारने वाले उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है, जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन शिक्षा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय। भारत की आधी आबादी महिलाओं की है और विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर महिला श्रम में योगदान दे तो भारत की विकास दर दहाई की संख्या में होगी। फिर भी यह दुर्भाग्य की बात है कि सिर्फ कुछ लोग महिला रोजगार के बारे में बात करते हैं, जबकि अधिकतर लोगों को युवाओं के बेरोजगार होने की ज़्यादा चिंता है, लेकिन महिलाओं के रोजगार की चिंता नहीं है उनको। मेरा सबसे यही कहना है कि महिलाओं को अपनी इनर पावर का आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत सारी समस्याएं होती है जिनका निराकरण मुझे खुद स्वयं करना पड़ता है और हर महिला को ही ऐसा ही करना चाहिए, अपनी समस्याओं का खुद ही निराकरण करना चाहिए। एक महिला को कमज़ोर कभी भी नहीं होना चाहिए क्योंकि वो खुद ही एक ताकत, एक नारी शक्ति है। मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा एक बच्चा है और मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ और पिछले 10 सालों से मैं आत्मनिर्भर हूँ। अभी मैं बैंक में सर्विस करती हूँ, बैंकर हूँ मैं।